एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा। लास्ट क्लासेस में हमने इलेक्ट्रोलाइट्स टॉपिक किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो एसिड बेसिस सॉल्ट्स तीनों में अपने आयंस को फ्लरिश कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उस एसिड बेसिस सॉल्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एसिड्स की प्रॉपर्टीज, एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं और इन एसिड्स का क्या क्या यूज होता है, यानी कि वो डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ एसिड्स जो हैं वो यूज होते हैं। तो लेट्स बिगिन विद आवर क्लास। अब एसिड्स, एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं? एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो खट्टे होते हैं टेस्ट में। ठीक है, कभी नींबू नींबू यूज होता है डे टू डे लाइफ में, अगर उसको मतलब कि खाया जाए, उसका जो रस होता है अगर उसको पिया जाए तो वो क्या होता है, बहुत ही खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि उसमें एसिड्स होते हैं। लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। तो जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस जो थोड़े खट्टे होते हैं टेस्ट में वो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। अगर हमने कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, अगर हमें पता करना है कि वो एसिड है कि नहीं है, लिटमस पेपर लेके हम उस सब्सटेंस को अगर उसमें डिप करें, अगर वो ब्लू लिटमस है तो अगर वो रेड में टर्न हो रहा है तो मींस वो सब्सटेंस क्या है, वो एसिडिक सब्सटेंस है, यानी कि उसका जो नेचर है वो एसिडिक है। अब जो एसिड्स हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया लेमन, लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। अब ये एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कि अगर उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो वो आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं। अब आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चाहिए होते हैं, आयंस के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं, यानी कि जितने भी एसिड्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, तो देयरफॉर उनको क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। अब एसिड जो होते हैं बहुत ही करोसिव होते हैं नेचर में। करोसिव का मतलब होता है अगर वो किसी सब्सटेंस पे गिर जाएं तो उस सब्सटेंस को वो खराब कर सकते हैं, तो इसलिए ये एसिड जो हैं ये ग्लास कंटेनर्स में स्टोर किए जाते हैं और मेटल कंटेनर्स में स्टोर नहीं किए जाते हैं, क्योंकि जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और उस मेटल सर्फेस को खराब कर सकते हैं। इसलिए एसिडिक जो होते हैं बहुत ही करोसिव होते हैं नेचर में। ठीक है, अब एसिड सुना होगा एसिड रेन। अब एसिड रेन भी क्या करती है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो है उनको खराब कर देती है। जैसे एग्जाम्पल है ताजमहल, ताजमहल पहले एक प्योर व्हाइट मार्बल से बना हुआ था, आसपास उसके रिफाइनरीज थी। ठीक है, जिससे जो गैसेस रिलीज होती थी वो नेचर में क्या बना देती थी, एसिड रेन्स बना देती थी। तो उस एसिड रेन से वो जो मॉन्यूमेंट्स है वो येलोइश कलर में टर्न होने लग गए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसिड्स होते हैं करोसिव होते हैं, सब्सटेंस को खराब कर देते हैं। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले एक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि अगर कोई भी एक एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल्स जनरली रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव, यहाँ पे सॉल्ट्स आएगा, दे फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस रिलीज। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैग्नीशियम स्ट्रिप है, मैग्नीशियम इज ए मेटल, मेटल अगर किसी एसिड में एक मेटल स्ट्रिप डाली जाए तो वो उसका एक सॉल्ट बनाती है प्लस हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। ठीक है, तो मेटल प्लस एसिड बिकम्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज एक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बेसिकली बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, अगर वो बेसिक ऑक्साइड मेटल सॉरी एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, दीज ऑक्साइड्स गेट न्यूट्रलाइज व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड, क्योंकि वो बेसिक फॉर्म में होते हैं। अब हमने पढ़ा है बेसिस प्लस एसिड जो बनता है इनका सॉल्ट प्लस वाटर इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब बेसिक ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अगर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl कोई भी एसिड अगर डाला जाए तो ये अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा, NaCl प्लस वाटर इज रिलीज। ठीक है, यहाँ पे HCl NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है प्लस वाटर जो है वो रिलीज हो रहा है, और उसके इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पिछली क्लासेस जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन था उसमें डिटेल में डिस्कस किया है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो क्लास देख सकते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर मेटल जो है वो मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl है, HCl को अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करता है तो वो क्या क्या बनाता है, वो तीन चीज़ें प्रोड्यूस करता है। एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन गई, ठीक है,
जैसे NaCl, ये इसके साथ सॉल्ट बनाता है, प्लस H2O, वाटर इज रिलीज्ड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। तो अगर एक मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब आता है टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली एसिड जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा एसिड होता है? विच कंप्लीटली आयनाइजेज इन वाटर एंड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। एक ऐसा एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स है कंप्लीटली आयन्स की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा एक लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस एसिड को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहाँ पे जो वर्ड स्ट्रॉन्ग रेफर किया गया है वो आयनाइजेशन के लिए रेफर किया है, कंसेंट्रेशन के लिए रेफर नहीं किया गया है। कंसेंट्रेटेड का मतलब होता है कि उसमें किसी भी सॉल्वेंट में जब बहुत ज्यादा सल्यूट डाला जाए, ठीक है, कि उसमें और सल्यूट डिजोल्व ना हो, वो कंसेंट्रेटेड होता है। अब यहाँ पे आयनाइजेशन वर्ड यूज किया गया है। आयनाइजेशन यानी कि वो जो मॉलिक्यूल्स है वो आयन्स की फॉर्म में डिसोसिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि एसिड के लिए वो क्या बोला गया है, कि आयनाइजेशन है कि वो कंसेंट्रेटेड है। वो हमेशा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात हो रही जा की जा रही है तो वो आयनाइजेशन है, कंसेंट्रेटेड नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं क्योंकि ये एक्वा स्टेट में फुली अपने आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर वाटर में ऐड किया जाए तो ये अपने आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन एंड क्लोरीन नेगेटिव आयंस की फॉर्म में 100% आयनाइजेशन यहाँ पे हो जाती है। तो ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएं उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने एक्वा स्टेट में अगर वाटर में इसको ऐड कर दिया जाए तो कंप्लीटली अपने आयंस की फॉर्म में ये डिसोसिएट हो जाते हैं। अब आते हैं वीक एसिड्स। अब वीक एसिड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का ऑपोजिट ही होंगे, ऑब्वियस है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में क्या था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर उसको वाटर में डाला जाए एसिड्स के, वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। वीक एसिड्स में क्या है कि अगर वो मॉलिक्यूल्स जो है वो पार्शली आयनाइज हो, मीन्स कि कम्प्लीटली वो यहाँ पे 100% आयनाइजेशन थी, यहाँ पे कुछ कम परसेंट में जो है मॉलिक्यूल्स वो आयनाइज होते हैं और स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे एसिड्स को क्या बोला जाता है? वीक एसिड्स। अब जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सारे किसके अंडर आते हैं? वीक एसिड्स के अंडर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोसाइनिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, ये सब जो है वो वीक एसिड्स के अंडर आते हैं। अब वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए। अब जैसे ये एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इन दोनों एसिड मॉलिक्यूल्स को वाटर में ऐड किया जाए सेपरेटली, अगर उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएं, यानी कि कम्प्लीटली वो डिसोसिएट हो जाएं, यहाँ पे जो रेड एंड ब्लू मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेटली, रेड वाले बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं और ब्लू वाले बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं, तो इन एसिड्स को क्या बोला जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोला जाता है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स अब यहाँ पे देखिए, अगर इसमें वाटर में ऐड कर दिया जाए तो वो सिर्फ एक दो मॉलिक्यूल्स ही ऐसे हैं जो डिसोसिएट हुए हैं, बाकी जो हैं वो अभी भी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ही हैं। तो माने कि इसका मतलब है कि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हुए हैं, कम्प्लीटली अपने आयनाइज नहीं हुए हैं। तो ऐसे एसिड्स को क्या बोला जाता है? वीक एसिड्स बोला जाता है। अब जो वीक एसिड्स हैं इनकी लो कंडक्टिविटी होती है। लो कंडक्टिविटी क्यों होती है? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं कम्प्लीटली आयन्स की फॉर्म में नहीं होते हैं डिसोसिएट। इसमें हाइड्रोजन आयन जो होता है वो उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो कम होती है, ठीक है। इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी उसकी कम होती है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वो इजिली इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू फ्लो होने देते हैं। अब वीक एसिड्स में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाए, कंडक्ट तो हो जाएगी लेकिन बहुत कम होगी अगर दोनों साइड बल्ब लगाया जाए, एक वीक एसिड में और एक स्ट्रॉन्ग एसिड में। तो वीक एसिड में क्या होगा? बल्ब जो है वो अच्छी तरह से ग्लो करेगा, लेकिन वीक एसिड में क्या होगा कि वो जो बल्ब है वो थोड़ा डिम लाइट होगी, इसका जो बल्ब है वो अच्छे से ग्लो नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस था वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स में। अब है यूजेस ऑफ एसिड्स। एसिड जो है वो डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसमें किसी ना कोई टाइप का जो एसिड जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से फूड्स में कौन कौन सा एसिड होता है।
सबसे पहले है सिट्रिक एसिड, जो लेमन है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लेमन, ऑरेंजेस हो गए, ठीक है, इन सब में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट है सॉर मिल्क, दूध जब खट्टा हो जाता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, जो दूध फट जाता है जिसमें से पनीर निकल सकता है, तो उस एसिड को क्या, उसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। अब रैंसिड बटर जो होता है उसमें ब्यूटरिक एसिड मिलता है। ग्रेप्स में टार्टारिक एसिड होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। अब एसिटिक एसिड के क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार आ जाते हैं कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, या एसिटिक एसिड जो होता है कौन से सब्सटेंस में होता है, तो एसिटिक एसिड और विनेगर वाला पॉइंट जो है वो लर्न कर लेना। एप्पल्स में मैलिक एसिड होता है। फैट्स में सेट्रिक एसिड होता है, ठीक है। ऑक्जेलिक में टमाटो, वुड सॉरेल, इन सब में ऑक्जेलिक एसिड जो है वो मिलते हैं। अब जो एरिएटेड ड्रिंक्स होते हैं, जैसे कोका कोला, पेप्सी, ये सब एरिएटेड ड्रिंक्स हैं, इनके अंदर कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड, की जब उसकी बॉटल खोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकलती है, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। यहाँ पे एक दो और एग्जाम्पल है, जैसे एंट में फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, तभी अगर कोई एंट जो है वो बाइट कर लेती है तो उसके ऊपर बेस लगाया जाता है, ताकि वो जो एंट का जो फॉर्मिक एसिड होता है उसके ऊपर बेस जो है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया कर देता है, ठीक है। तो एंट के काटने पे भी बेस यूज होता है, ताकि उसका रिएक्शन जो है वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट अब इस एसिड्स के यूज है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारे स्टमक में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, जिससे जो हम खाना खाते हैं वो उसको स्मॉलर पार्ट्स में उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब कई बार जो होता है, जब काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए खाना नहीं खाया जाता, हमारा स्टमक एम्प्टी होता है, लेकिन स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड टाइम टू टाइम प्रोड्यूस करता रहता है, जिससे क्या होता है कि एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके पेन को ख़त्म करने के लिए बेस कोई सब्सटेंस जो बेसिक होता है नेचर में वो लिया जाता है, उस रिएक्शन को क्या कहते थे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एसिड में जब बेस ऐड किया जाए तो उसका इफेक्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है, उसका कोई उसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। अब है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है गोल्ड की प्योरिफिकेशन या सिल्वर की प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है। अब जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कई बार जो गोल्ड सिल्वर है उसके ऊपर डस्ट डस्ट पार्टिकल्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाता है, तो उसको क्लीन करना पड़ता है। तो उसमें अगर एसिड डाला जाए तो वो एसिड क्या करता है, उस डस्ट पार्टिकल को सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। और जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो उसको साफ करना इजी हो जाता है। तो नाइट्रिक एसिड प्योरिफिकेशन, गोल्ड और सिल्वर की प्योरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अब कंसेंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड जो है वो आयरन को वॉश करने के लिए भी, गैल्वनाइजेशन के लिए यूज होता है। अब गैल्वनाइजेशन क्या थी, कि अगर आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है, कोई ऐसा सब्सटेंस की लेयर चढ़ा दी जाती है जो रस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते थे? गैल्वनाइजेशन कहते थे, ठीक है। अब आयरन में, आयरन के अगर आयरन के ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं, उस पार्टिकल्स को वॉश ऑफ करने के लिए, रिमूव करने के लिए भी एसिड्स का यूज किया जाता है, ताकि आयरन जो है वो अच्छे से साफ हो जाए। नेक्स्ट आते हैं ऑक्जेलिक एसिड, जो है वो रस्ट स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई टेबल या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी रस्ट के स्पॉट्स हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड भी उसके लिए यूज किया जाता है, ताकि वो उससे साफ हो जाए। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एसिड में थोड़े से मेल्ट हो जाते हैं, उसके बाद उनको क्लीन करना ईजी हो जाता है। अब बोरिक एसिड जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आई, इसका मतलब है कि जो बोरिक एसिड है उसमें कुछ एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर कोई आईज में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है या फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, उसके लिए बोरिक एसिड यूज किया जाता है। उससे क्या होता है कि बोरिक एसिड से आईज को क्लीन किया जाता है। कई बार डॉक्टर्स भी बोरिक एसिड के आई ड्रॉप्स सब प्रिस्क्राइब करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है, अगर आईज में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। आज की क्लास यहीं तक थी। आज की क्लास में हमने एसिड जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली कवर कर लिया। अब रिव्यू क्वेश्चन करते टाइम, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, क्वेश्चन के बाद वीडियो ज़रूर पॉज कीजिए और आंसर खुद करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपको क्लास में कितना समझ में आया है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, एसिड विच कम्प्लीटली आयनाइजेज इन वाटर एंड प्रोड्यूसेज अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड, ऐसा एसिड
जो कम्प्लीटली वाटर में आयनाइज हो जाता है, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स है कम्प्लीटली आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं और लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, उन एसिड को क्या कहते हैं? एसिड से बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं, और नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ नहीं बोलते हैं। द आंसर इज इट्स बी, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और वीक एसिड किसे कहते थे? जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, वो पार्शली आयनाइज होते हैं, और उसमें जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनका जो कंसेंट्रेशन है वो भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड चेंजेस डैश लिटमस टू डैश, रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड, पर्पल टू ऑरेंज, और नन ऑफ द अबव। आंसर इज इट्स ब्लू टू रेड। एसिड जो है वो ब्लू एसिड को रेड सॉरी ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है नेचर में। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली डैश ऑक्साइड्स। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली कौन से ऑक्साइड्स होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, या नन ऑफ द अबव? दे आर सी, बेसिक इन नेचर। ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं मोस्टली क्या होते हैं? वो बेसिक होते हैं नेचर में, जिसकी वजह से अगर एसिड और बेसिक ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया जाए तो उसमें कौन सा रिएक्शन होता था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो लास्ट क्वेश्चन है, द एसिड यूज इन मेकिंग ऑफ विनेगर। अब विनेगर वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि अच्छे से पढ़ लेना कि विनेगर में कौन सा एसिड जो है वो यूज होता है। फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, या नाइट्रिक एसिड है? द आंसर इज इट्स बी, एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस में था? एंट्स में था। सल्फ्यूरिक एसिड किस लिए यूज किया जाता था? गैल्वनाइजेशन के लिए। और नाइट्रिक एसिड किस में, किस लिए यूज होता था? प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड या सिल्वर में से डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए नाइट्रिक एसिड जो है वो यूज किया जाता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कोई भी डाउट है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।